नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट, एग्जिट पोल, सियासी बोल, बजने लगे ढोल, लेकिन तोल मोल के बोल, क्योंकि 4 तारीख का इंतजार सबको करना है। एग्जिट पोल और उस पर मचे सियासी बवाल की बात करने जा रहे हैं हम। विपक्ष ने सभी एग्जिट पोल को नकार दिया है, विपक्ष का जीत का दावा बरकरार है। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार फिर से बनने के अनुमान सामने आए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों में घमासान मचा हुआ है। एग्जिट पोल पर विपक्षी नेताओं के अलग अलग तरह के बोल सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का दावा बरकरार है और एग्जिट पोल को गलत बताया जा रहा है। एग्जिट पोल पर बवाल, विपक्ष की बत्ती गुल। कुछ हजार लोगों का सर्वे कराकर इस प्रकार का एग्जिट पोल देना, मैं समझता हूँ ये देश के लोगों को भ्रमित करने की एक प्रक्रिया। जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। नतीजों से पहले एग्जिट पोल शुरू हुआ सियासी बवाल। बनाए भी योजना के तहत हो रहा है, इस तरीके के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। ये बिल्कुल जाली है, बिल्कुल नकली है, बिल्कुल झूठे है। विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। अजब गजब बयान, विपक्ष में मचा घमासान। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है, ये पैसा फेंको तमाशा देखो। विपक्षी नेताओं के बोल, ये मोदी जी का फैंटेसी पोल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, अब नतीजों का है इंतजार। ये जो एग्जिट पोल आया है, वो एग्जिट होने वाले जो 4 तारीख को लोग हैं, उन लोगों से प्रभावित होकर एग्जिट पोल आया है। न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है। मामला मोदीमय है, सुनामी है मोदी की, और इस मोदी की सुनामी के सामने कोई भी देशद्रोही टिक नहीं पाए। 4 तारीख को परिणाम आएगा तो बड़ा चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें हैं। एग्जिट पोल पर सियासी बोल। तो न्यूज 18, ये आपने तमाम बोल आपने सुन लिए, बयान आपने सुन लिए। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आपको बाकी सर्वे भी दिखाते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन सर्वे का क्या कुछ कहना है। एक नजर जरा आपको इन पर भी मार लेनी चाहिए। ये अलग अलग एजेंसियां जिन्होंने ये सर्वे किए हैं, किस तरह से सर्वे किए जाते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये हर बार होता है। खैर, एनडीए को एक सर्वे 353 से 383, 353 से 368, 359, 362, ज्यादातर में 300 से ऊपर जो एनडीए को सीट दी जा रही हैं, ये एग्जिट पोल के मुताबिक। इंडिया 152, 118, 154, 141, 125, 109, 131 और 96 से 118, 138 सीटें भी दी जा रही हैं। अदर्स के खाते में 4, 12, 43 से 48 तक, 30, 10 से 20, 47, इस तरह के ये आंकड़े आए हैं। एनडीए, इंडिया, अदर्स के आंकड़े, अन्य के खाते में कितनी जा रही है, ये वो अलग अलग एग्जिट पोल हैं। न्यूज 18 के अलावा भी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उनका ये कहना है। हां, एक एग्जिट पोल सट्टा बाजार का भी है
और जो ज्यादातर बड़े सट्टा बाजार है उसमें मुंबई है, उसमें फलौदी है, उसमें गुजरात का जो बड़ा सट्टा बाजार है, सरकार वो भी बनवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार वो भी बनवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों का फर्क है। ये हमने आपको क्यों दिखाए न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अलावा, बाकी एग्जिट पोल भी हमने आपको दिखा दिए। एग्जिट पोल पर सवाल और बवाल जारी है, विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में खुशी है। हालांकि एग्जिट पोल एक अनुमान है, फिर दोहरा दें, नतीजे 4 जून को ही आएंगे। मंगल मंगल किसका होगा मंगल। तो अब महाडिबेट के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ ये सवाल कहते हैं। एग्जिट पोल पर घमासान क्यों, अब तो दिनों में घंटों में वक्त रह गया है, तो एग्जिट पोल पर घमासान क्यों। इसके अलावा अनुमान पर इस बौखलाहट के मायने क्या है, दावा बरकरार है और यह कितना कारगर है, यह 4 जून को साफ हो जाएगा। हालांकि यह एक झलक है, यह एक झलक है, सवाल बहतेरे हैं और उन सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक बजाज साहब बीजेपी से जुड़े हैं, बजाज साहब का स्वागत। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। राकेश अचल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश की राजनीति के अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति पर खास नज़र होती है, नए नए शब्दों की ईजाद राकेश अचल साहब करते हैं, इसके अलावा कई किताबें भी उनके खाते में हैं, वो किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए, गंभीर पत्रकारों को पढ़ते रहना चाहिए, उससे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे इन सब की गुंजाइशों से बचा जा सकता है। खैर, शिवम शुक्ला साहब सबसे पहले आपका रिएक्शन, ज़्यादातर एग्जिट पोल बंपर जीत आपकी बता रहे हैं। एक बात और है, सारंग साहब को हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सुनामी है, सच में सुनामी है क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो लोग भी जनता के बीच गए होंगे, जनता से जुड़ करके राजनीति की होगी और जनता की नब्ज को समझ पाने में सफल रहे होंगे, उनको साफ नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के पक्ष में एक प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण है। हम तीसरी बार न सिर्फ वापस आएंगे बल्कि बढ़े हुए जनादेश के साथ देश में हम वापसी करने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो राज्य जहां हम परंपरागत रूप से उतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, उन राज्यों में हमारी टैली जब लगभग आधे सीटों से ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देश में तो टैली बढ़ना स्वाभाविक था। हमने देखा तमिलनाडु में हमारी सीटें किस प्रकार से बढ़ रही हैं, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, इस प्रकार के जितने भी परंपरागत से रूप से कमजोर राज्य रहे हैं, वहां पे हमने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और सिद्ध किया है कि आज देश में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बाकी तमाम राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय दल हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई को हमारे सामने लड़ रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री जी यह जो इस प्रकार के एग्जिट पोल सामने है, उससे स्पष्ट हुआ है कि देश के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जो तीसरी बार सरकार में तो पहुंचेंगे ही, लेकिन बढ़े हुए जनादेश के साथ पहुंचेंगे। इससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री या विश्व में भी अपने आप में यह एक अनुपम उदाहरण होगा कि जब कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार सरकार में आता है और बढ़े हुए जनादेश को लेकर के आता है, यह जनता का विश्वास दिखाता है। हमने जो चीजें जनता के सामने रखी उनको लास्ट माइल डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित किया। हमारी योजनाएं जमीन पर मूर्त रूप लेती हुई नजर आई, कल्याणकारियों के खाते तक राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस स्तर का निर्माण हुआ, जनता उसको सकारात्मक रूप से विरासत का जो एक बढ़े हुए जनादेश के साथ और लॉट्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी विद द सिटिंग एमपीस, जो आपके मौजूदा सांसद हैं घनघोर एंटी इनकम्बेंसी के साथ, ये आपको जोड़ना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर राम पांडे, क्या वाकई अस्तित्व की लड़ाई अगर इस एग्जिट पोल की बात की जाए, हालांकि अनुमान है नतीजे 4 को आएंगे। डॉक्टर पांडे प्लीज। जी, आपने स्वयं कह दिया कि ये अनुमान है और नतीजे 4 को आएंगे, तो 2 दिन हम वेट कर सकते हैं। अब चूंकि ये जो एग्जिट पोल आए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अब जैसे मध्यप्रदेश का ही दिखाया जा रहा है 0 सीट, तो मुझे तो नहीं लगता है कि 0 या 1-2 सीटें आएंगी। 10 से 15 सीट तो मध्य प्रदेश में ही आनी है, तो जब 10 से 15 सीट मध्य प्रदेश में आनी है, तो जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये सारे फर्जी नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अमित शाह जी ने लिखकर दे दिया है और यहाँ सब डिस्प्ले चल रहा है। आखिर क्या बात है कि जनता मोदी को वोट देगी? आपने भी देखा कि मोदी जी ने किस बात पर वोट मांगे थे, उन्होंने कहा मुजरे के नाम पर वोट दो। अब बताइए, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वो कह रहे हैं मुजरे के नाम पर वोट दीजिए, वो कह रहे हैं कि मंगल सूत्र आपके चले जाएंगे मुझे वोट दीजिए, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी मुझे वोट दीजिए।
तो जनता पिछले एक दो महीने से जो प्रधानमंत्री जी का जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है वो जनता के सामने आ रहा था। कह रहे थे कि उड़ीसा के शहरों की राजधानी का नाम बताइए, तो जनता ने उनकी शिक्षा के बारे में भी जाना, उनके अहंकार के बारे में भी जाना, ठीक उनके व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कोई कारण नहीं था कि जनता उनको वोट दे। और हम जो भी ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, बिहार के हों, कर्नाटक के हों, एक नजर देख के लगता है कि ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये आंकड़े लिखकर आए। और इसका सबसे बड़ा कारण जो दिया, मतलब इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, मीडिया पर दबाव बनाया जाए, जो वोटिंग एजेंट है मतगणना स्थल पर जो विपक्ष के रहेंगे उन पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जाए, तो ये ठीक जो इनके डराने धमकाने की जो राजनीति है। अब आप देखिए, अमित शाह जी ने 150 निर्वाचन अधिकारियों को फोन कर दिया। क्या ठीक अमित शाह जी को 150 निर्वाचन चुनाव आयोग के अधिकारियों को फोन करना चाहिए? तो हाँ हाँ उनको फोन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही है ये प्रशासन को भी ठीक डराने का काम कर रहे हैं। ठीक ठीक जी आप जयराम रमेश की बात कर रहे हैं, उनका एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है इसको लेकर भी। हालांकि मैं डॉक्टर पांडे आपसे सवाल करना चाह रहा था, एक और सवाल भी मैं आपसे करूंगा, आएंगे आपके पास, ये सिलसिला लगातार चलेगा। अशोक बजाज बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजाज साहब, डीएम को फोन करने की नौबत आ रही है क्या? हाँ भाई साहब, ये जो एग्जिट पोल आया है ये हाँ वास्तव में लोकसभा चुनाव 2024 के जो जनता का प्रवाह है, जनमत है, उसको प्रदर्शित कर रहा है कि हवा का रुख जो है एनडीए की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, मोदी जी की तरफ। जनता ने जो ईडी गठबंधन बनाया था इन्होंने, बेमेल गठबंधन, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, क्योंकि इनका कोई नेतृत्व भी नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई भरोसेमंद आदमी था। और जितने भी पार्टियां हैं जो ईडी गठबंधन में जुड़ी हुई थी, पहले ही जनता का भरोसा खो चुकी है। और इन्होंने केवल मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी को हटाने के लिए, भाजपा सरकार को हटाने के लिए ही इन्होंने दावा पेश किया था। वास्तव में ईडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए जा रहे ये तो कम है। एग्जैक्ट आंकड़े जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक भारतीय जनता पार्टी 400 से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आ ठीक रही है। दक्षिण में जो हवा का रुख दिख रहा है, ठीक दक्षिण का हवा का रुख जो बता रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी वोटों से जीत रहे हैं, और नहीं, अच्छी बात है कांग्रेस बजाज साहब, कॉन्फिडेंस अच्छी पार्टी बात है। यही कॉन्फिडेंस हमने कर्नाटक विधानसभा चुनाव बहुत के पहले भी देखा था, ऐसा ही एक कॉन्फिडेंट नारा मैं आपको बता रहा हूं, अब की बार 70 पार, बताइए कहां हो पाया। खैर, सत्यप्रकाश सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह के सर्वे आए हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी या बहुत गेनिंग गुंजाइश नहीं है, फिर भी चुनौतियां कई सीटों पर आप दे रहे हैं, इन सब के बीच आपका एक रिएक्शन, फिर सवाल। ललित जी देखिए, ये एग्जिट पोल है, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा। एग्जिट पोल जैसे आपके भी है और तमाम से, मेरे पास जैसे दो तीन एजेंसी के एग्जिट पोल है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार हो रही है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, इससे हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। ठीक है, जो एजेंसी है वो मेहनत करती है, जमीन स्तर पर जाती है, उसमें उनके मेहनत पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, मगर एग्जैक्ट पोल 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में बात करूं, एग्जिट पोल मतलब 0 सीट या 1 सीट दिखा रही, ये आज तक जब से छत्तीसगढ़ बना तब से नहीं हुआ, इस पर तो हम बहुत ज्यादा गेन करेंगे। तो ये हमको मालूम है, देखिए मैं बिहार की बात कर लेता हूँ, मेरे को पार्टी की तरफ से बिहार जाने का मौका मिला था, वहां काम किया था मैंने, वहां पे मैंने देखा था माहौल क्या है। तो ये एग्जिट पोल जो एग्जिट पोल है, इससे उस पर ज्यादा सवाल नहीं खड़े करूंगा, बस एक ही चीज बोलूंगा कि मोदी जी की 10 साल के वादा खिलाफ है ना, हमने एक पार्टी के तौर पर कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, वो दिखा है, और वो 4 जून को दिखेगा। आप इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, इसे 4 जून को जो होगा एग्जैक्ट पोल दिखेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो उस दिन सबके सामने आएगा। ठीक। राकेश अचल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़े पत्रकार ने बड़ा अच्छा शब्द भी निकाला है, केचुआ। अब मैंने ये क्यों कहा, इसके मानी दर्शक निकालते रहे। राकेश सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं, ये कहा गया कि भाई 150 डीएम को आप फोन कर रहे थे, उसको लेकर एक सवाल पांडे साहब से भी मेरा रहेगा। सवाल यह है, उसका जवाब बड़ा दिलचस्प दे रहा है आयोग। आयोग ने लिखा है ये पूरी प्रक्रिया
बहुत पवित्र कार्य है, इस शब्द को मैं खास कोट कर रहा हूं, पवित्र कार्य है। सवाल यह आया कि आयोग के सामने नौबत आई क्योंकि उसको ये बताना पड़े कि सबसे बड़ी जमहूरियत का पवित्र कार्य कर रहा है वो, क्या बात है इसको लेकर? राकेश सर, ललित जी देखिए, मैं 1977 से लगातार चुनाव देखता आ रहा हूं और मेरे समय में इस तरह के एग्जिट पोल आने की कोई परंपरा भी नहीं थी क्योंकि न्यूज चैनल नहीं जी। और अब न्यूज चैनल आए हैं 2000 के बाद, 2004 से ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो ये पहला मौका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे हम लोगों ने संक्षेप में कैचुआ कहना शुरू कर दिया और वो इतना घबराया हुआ है, उसकी विश्वसनीयता पर पहली बार इतने सवाल खड़े किए गए हैं कि उसे बार बार सफाई देनी पड़ती है। पूरी चुनाव प्रक्रिया में, 7 चरण की चुनाव प्रक्रिया में इतनी शिकायतें हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के पास, सत्तारूढ़ दल की पहुंची, सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्ष के बारे में पहुंची, लेकिन कार्रवाइयां क्या हुई सिवाय नोटिस देने के? किसी को भी आपने नोटिस देने के बाद क्या जवाब आया ये देश को नहीं बताया। आपने हेट स्पीच रोकने के लिए क्या किया ये आपने देश को नहीं बताया। और आज जब देश का गृह मंत्री आपके जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जो कि अगली 9 तारीख तक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी 8 तारीख तक वो सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, उनको फोन कैसे कर सकते हैं? ये इससे संदेह पैदा होता है। हाँ। मैं देखिए एग्जिट पोलों को और एग्जैक्ट पोलों के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहता, बुंदेली में कहावत है कि मुंह दूर के थप्पड़, 4 तारीख को परसों आपको सब पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन कोई केंद्रीय गृह मंत्री किसी जिला निर्वाचन अधिकारी को फोन क्यों कर रहा है भाई? ये एक तो न राज्य का मामला है न केंद्र का मामला है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग का मामला है। हाँ। वो फोन कर सकता है कि भाई आप सतर्कता बरतें, निष्पक्षता बरतें, लोगों को का विश्वास बनाए रखें, लेकिन गृह मंत्री घबराहट में, देखिए दूसरे चरण के बाद भोपाल आकर के माननीय गृह मंत्री ने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को धमकाया था कि अगर मतगणना का प्रतिशत नहीं बढ़ा तो उनकी जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, मंत्रियों की कुर्सियां चली जाएंगी। तो घबराहट तो है, दोनों तरफ है, इधर भी सत्ता पर चाहिए उधर भी सत्ता चाहिए। तो सीता, सत्ता की सीता का जो स्वयंवर है ना वो हो चुका है, अब केवल उसकी धनुष टूटा हुआ दिखना है, उसके लिए आपको 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक 48 घंटे का इंतजार कर लिया जाए। डॉक्टर राम पांडे, पहले मैं आपके पास आ जा रहा हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब ये कहा जा रहा है कि ला लीजिए, जयराम रमेश कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत तजुर्बेकार और बड़े और थिंक टैंक वाले नेता हैं। आयोग कह रहा है कि वो लिस्ट दे दीजिए, हमें भी बता दीजिए किस किस से बात की गई है। डॉक्टर पांडे जी, जी तो ये जो इतने सारे सर्वे चल रहे हैं ये 6 कंपनियों ने किए, तो ये नाम भी बता दें किस सीट पर कौन जीत रहा है और कितने वोट से जीत रहा है। जब सर्वे किया है, जनता के बीच में गए हैं, तो ये सबके सामने होना चाहिए कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। तो ये जानकारी जो हमें मिली है और हमारी जो जानकारी होती है, या जयराम रमेश जी हो, पवन खेड़ा जी हो, हम लोग, हमारी लाइन ही है सत्यमेव जयते, चाहे चुनाव हारे या जीते, हम सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हर बात पर झूठ नहीं बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो हजारों झूठ जनता के सामने हैं। तो जो जयराम रमेश जी ने कहा है वो सच है। और चुनाव आयोग के बारे में तो आप देखिए, चुनाव आयोग को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नोटिस देना था तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी को नोटिस दें, वो नोटिस दिया नड्डा जी को। हाँ, ये भी पहली बार कि आप मोदी जी से पूछिए, फिर नड्डा जी मोदी जी से पूछेंगे, फिर नड्डा जी मोदी जी की तरफ से जवाब लिखेंगे, फिर चुनाव आयोग को देंगे, और उसका भी जवाब आज तक नहीं आया। सारा चुनाव हो गया और विपक्ष ने इतने सारे बातें चुनाव आयोग के सामने रखी, आज 2 जून है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब नहीं दिया। और इस बार तो चुनाव आयोग आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ना तो प्रधानमंत्री को ना गृह मंत्री को एक दिन के लिए भी चुनाव प्रचार से रोका गया। ऐसे कई कारण हैं जहां चुनाव कैचुआ जो शब्द है वो सही निकला है कि कैचुआ बहुत डरपोक हो चुका है। जो मोदी जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं वही कैचुआ काम कर रहा है। डॉक्टर पांडे, आप कैचुआ को छोड़ देते हैं, ठीक, मैं वापस सर्वे पर आ रहा हूँ। शिवम शुक्ला साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है, कुछ आपको जिता रहे हैं, कुछ बम्पर जिता रहे हैं, कुछ और सर्वे भी चलते हैं, सट्टा बाजार का सर्वे चलता है, स्वीकारा जाए ना स्वीकारा जाए, गलत आए सही आए,
उसमें यह तो दिखा रहा है कि आप सरकार बनाते नजर तो आ रहे हैं पर आप कमजोर होते भी नजर आ रहे हैं। शिवम शुक्ला साहब। ललित जी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले राम पांडे जी ने जो ये डीएम वाला आरोप लगाया, पार्टी ने हमारी स्पष्टता के साथ जयराम रमेश जी से पूछा है कि या तो वह उन 150 डीएम की सूची दे दें जिनको अमित शाह जी ने फोन लगाया है, या फिर चुनाव आयोग जैसी एक संस्था के सामने झूठे तथ्य रखने के लिए माफी मांग ले। देश में अगर संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार से आरोप लगा करके उनकी जो एक मर्यादा है, उनका जो एक विश्वसनीयता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। कांग्रेस को इस प्रकार के आधारविहीन आरोपों से बचना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने पूछा कि हम सामने आ रहे, देखिए यह विधा जो है पूरा एक डाटा का, उसका एनालिसिस का, यह बहुत ही प्रामाणिक है, हम इसका विश्वास करते हैं। अगर यह 100% सही ना भी हो तो भी एक एवरेज के तौर पर मोटी मोटा यह तो समझ में आ ही जाता है कि जनता का रुझान किस तरफ है। और आने वाले वक्त में हमने देखा है कि कई सारे एग्जिट पोल्स ने अपनी विश्वसनीयता को भी स्थापित किया है और वह एग्जैक्ट पोल के आसपास ही आकर के रुके थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें तो नतीजों का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से 400 पार का नारा लेकर के चल रही थी, लेकिन हमें वोटर के ऊपर भी विश्वास है, इसलिए हम लेकर के चल, हमने कभी भी यह बातें अति आत्मविश्वास में नहीं कही, हमने कभी भी यह दावा नहीं किया, हमने इनकी तरीके से लड्डू बनने के ऑर्डर नहीं दिए, पोस्टर लगाने का काम नहीं किया, अपने को उपहास का पात्र नहीं बनाया। और जो बात रही हमारी विश्वसनीयता घटने या बढ़ने की, प्रधानमंत्री जी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जिनका न सिर्फ तीसरी बार सत्ता में आएंगे बल्कि एक बढ़े हुए जनादेश के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पास इस चुनाव में जनता को देने के लिए कुछ नहीं था, लड्डू के ऑर्डर नहीं दिए, और अभी आप कह रहे हैं कि हम तो शपथ ग्रहण की तैयारियों में है। यही विरोधाभास है ना शुक्ला साहब। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, शपथ ग्रहण जनता निर्धारित करती है। जनता का हमें जो फीडबैक मिला, जनता का जो उत्साह समझ में आया, उसको देख करके हम पूरी तरीके से आशान्वित है। बाकी जनादेश का हम इंतजार कर रहे हैं, जो भी आधिकारिक चैनल से चीजें सामने आएंगी उसके अनुरूप आगे हम निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस स्वयं को उपहास का पात्र बना रही है, पूरे चुनाव में देश की जनता को इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। हम तो जनता को रोड मैप दे रहे थे कि 2047 तक कैसे विश्व के उत्कर्ष पर हम देश को लेके जाएंगे। इन्होंने सिर्फ और देश को उसी परंपरागत तरीके से जात की राजनीति में बांटने का प्रयास किया, कम्युनिस्ट और वामपंथी एजेंडे को लेकर के आए, सनातन और राष्ट्र के विरोध की राजनीति की, जनता ने उसको सारे भाषण पब्लिक डोमेन में पड़े हुए चीजों से बाज 47 का एजेंडा शुरू किया था आपने, दो चरणों के चुनाव के बाद ये सारे एजेंडे पीछे चले गए थे, फिर जो आगे आया उसको लेकर आगे बात मैं, करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। राजनीति में दो चीजें होती हैं, पहला हम किस नैरेटिव को लेकर के आगे चल रहे हैं, दूसरा हमारा प्रतिपक्षी किस चीज को आगे बढ़ा रहा है, उसका भी हमें काउंटर करना है, उसको भी जनता के सामने एक्सपोज करना है। हमने दोनों ही चीजें बहुत ही महारत के साथ की, और यही कारण है कि जनता के साथ जो हमारा संप्रेषण अथवा संवाद का एक सिलसिला है वह बहुत ही मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी जनता से कट चुकी है, जनता के साथ कोई संबंध नहीं बचा है। वामपंथी एजेंडे को जो लोग देश में लागू करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण राजनीति करना चाहते हैं, नहीं आपने थोड़ा टाइम मांगा था। नहीं नहीं शुक्ला साहब, बजाज साहब, बहुत शॉर्ट में, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें फंसी हुई जहां भरपूर बम्पर चुनौतियां आपको मिल रही हैं, लगता है या नहीं लगता है? बजाज साहब, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हमको मिल रही है भाई साहब, और कई सीटों में हम रिकॉर्ड मत जीतेंगे। कांग्रेस को जनता ने यहाँ नकार दिया है, 5 साल का जो भ्रष्टाचार का पोल कलई धीरे धीरे खोल रही है, महादेव ऐप, कोयला घोटाला और जो लेवी राइस मिल के, राइस मिलों के द्वारा जिस प्रकार से ठीक मिलिंग के लिए किया गया, हाँ, चावल की मिलिंग में घोटाला हुआ, वसूली हुई, ये सब बातें जनता के जहन में थी। और वोट डालते समय उन्होंने भ्रष्ट तंत्र को पूरी तरह से नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी चेहरे मैदान में उतारे थे छत्तीसगढ़, ठीक सब साफ सुथरे चेहरे थे, सब साफ सुथरे नहीं थे, भाजपा में आके साफ सुथरे हुए। चिंतामणि मालवीय, उन पर भी FIR थी, बाद में उनको क्लीन चिट मिली जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, बहुत सारे सवाल है। सत्यप्रकाश जी मुस्कुराने लगते हैं ऐसा कोई पॉइंट आता है तो। मैं आऊंगा आप सभी के पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी ये दिलचस्प और बेहतरीन चर्चा जारी रहेगी। मतगणना से पहले दिल्ली में पीएम आवास पर बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद।
चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल काउंटिंग प्रोसेस के अधिकारियों की मांगी जानकारी सामने रखी। चार मांगे। मतगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रत्याशियों के साथ बैठक। काउंटिंग पर पैनी नजर रखने के निर्देश। इंडिया डेलीगेशन की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही मोदी सरकार। एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश में 2019 का प्रदर्शन दोहरा सकती है बीजेपी। मिल सकती है 26 से 29 सीट। मध्य प्रदेश में बदला मौसम। कई जिलों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का यह है नया नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। एग्जिट पोल, सियासी बोल, बजने लगे ढोल, लेकिन तोल मोल के बोल, क्योंकि 4 तारीख का इंतजार सबको करना है। एग्जिट पोल और उस पर मचे सियासी बवाल की बात करने जा रहे हैं हम। विपक्ष ने सभी एग्जिट पोल को नकार दिया है। विपक्ष का जीत का दावा बरकरार है। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार फिर से बनने के अनुमान सामने आए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों में घमासान मचा हुआ है। एग्जिट पोल पर विपक्षी नेताओं के अलग अलग तरह के बोल सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का दावा बरकरार है और एग्जिट पोल को गलत बताया जा रहा है। एग्जिट पोल पर बवाल, विपक्ष की बत्ती गुल। कुछ हजार लोगों का सर्वे कराकर इस प्रकार का एग्जिट पोल देना, मैं समझता हूँ ये देश के लोगों को भ्रमित करने की एक प्रक्रिया। जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। नतीजों से पहले एग्जिट पोल शुरू हुआ। बनाए भी योजना के तहत हो रहा है, इस तरीके के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। ये बिल्कुल जाली है, बिल्कुल नकली है, बिल्कुल झूठे। विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। अजब गजब बयान, विपक्ष में मचा घमासान। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो। विपक्षी नेताओं के बोल, ये मोदी जी का फैंटेसी पोल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, अब नतीजों का है इंतजार। ये जो एग्जिट पोल आया है, वो एग्जिट होने वाले जो 4 तारीख को लोग हैं, उन लोगों से प्रभावित होकर एग्जिट पोल आया है। न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं, मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है। मामला मोदीमय है, सुनामी है मोदी की, और इस मोदी की सुनामी के सामने कोई भी देशद्रोही टिक नहीं पाए। 4 तारीख को परिणाम आएगा तो बड़ा चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें हैं। एग्जिट पोल पर सियासी बोल।
तो न्यूज 18 ये आपने तमाम बोल आपने सुन लिए, बयान आपने सुन लिए। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से 370 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आपको बाकी सर्वे भी दिखाते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन सर्वे का क्या कुछ कहना है। एक नजर जरा आपको इन पर भी मार लेनी चाहिए। ये अलग अलग एजेंसियां जिन्होंने ये सर्वे किए हैं, किस तरह से सर्वे किए जाते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये हर बार होता है। खैर, एनडीए को एक सर्वे 353 से 383, 353 से 368, 359, 362, ज्यादातर में 300 से ऊपर जो एनडीए को सीट दी जा रही हैं, ये एग्जिट पोल के मुताबिक। इंडिया 152, 118, 154, 141, 125, 109, 131 और 96 से 118, 138 सीटें भी दी जा रही हैं। अदर्स के खाते में 4, 12, 43 से 48 तक, 30, 10 से 20, 47, इस तरह के ये आंकड़े आए हैं। एनडीए, इंडिया, अदर्स के आंकड़े, अन्य के खाते में कितनी जा रही हैं, ये वो अलग अलग एग्जिट पोल हैं। न्यूज 18 के अलावा भी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उनका ये कहना है। हां, एक एग्जिट पोल सट्टा बाजार का भी है, और जो ज्यादातर बड़े सट्टा बाजार है उसमें मुंबई है, उसमें फलौदी है, उसमें गुजरात का जो बड़ा सट्टा बाजार है, सरकार वो भी बनवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार वो भी बनवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों का फर्क है। ये हमने आपको क्यों दिखाए, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अलावा बाकी एग्जिट पोल भी हमने आपको दिखा दिए। एग्जिट पोल पर सवाल और बवाल जारी है, विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में खुशी है। हालांकि एग्जिट पोल एक अनुमान है, फिर दोहरा दें, नतीजे 4 जून को ही आएंगे। मंगल मंगल, किसका होगा मंगल? तो अब महाडिबेट के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ ये सवाल कहते हैं। एग्जिट पोल पर घमासान क्यों? अब तो दिनों में घंटों में वक्त रह गया है, तो एग्जिट पोल पर घमासान क्यों? इसके अलावा अनुमान पर इस बौखलाहट के मायने क्या है? दावा बरकरार है और ये कितना कारगर है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। हालांकि ये एक झलक है, ये एक झलक है, सवाल बहतेरे हैं और उन सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिवम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक बजाज साहब बीजेपी से जुड़े हैं, बजाज साहब का स्वागत। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। राकेश अचल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश की राजनीति के अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति पर खास नज़र होती है, नए नए शब्दों की ईजाद राकेश अचल साहब करते हैं। इसके अलावा कई किताबें भी उनके खाते में हैं, वो किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए, गंभीर पत्रकारों को पढ़ते रहना चाहिए, उससे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे इन सब की गुंजाइशों से बचा जा सकता है। खैर, शिवम शुक्ला साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन, ज़्यादातर एग्जिट पोल बंपर जीत आपकी बता रहे हैं। एक बात और है, सारंग साहब को हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सुनामी है, सच में सुनामी है क्या? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो लोग भी जनता के बीच गए होंगे, जनता से जुड़ करके राजनीति की होगी और जनता की नब्ज को समझ पाने में सफल रहे होंगे, उनको साफ नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के पक्ष में एक प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण है। हम तीसरी बार न सिर्फ वापस आएंगे बल्कि बढ़े हुए जनादेश के साथ देश में हम वापसी करने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो राज्य जहां हम परंपरागत रूप से उतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, उन राज्यों में हमारी टैली जब लगभग आधे सीटों से ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देश में तो टैली स्वाभाविक था। हमने देखा तमिलनाडु में हमारी सीटें किस प्रकार से बढ़ रही हैं, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, इस प्रकार के जितने भी परंपरागत रूप से कमजोर राज्य रहे हैं, वहां पे हमने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और सिद्ध किया है कि आज देश में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बाकी तमाम राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय दल हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई को हमारे सामने लड़ रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री जी या जो इस प्रकार के एग्जिट पोल सामने आए, उससे स्पष्ट हुआ है कि देश के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जो बार सरकार में तो पहुंचेंगे ही, लेकिन बढ़े हुए जनादेश के साथ पहुंचेंगे। इससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री या विश्व में भी अपने आप में, यह एक अनुपम उदाहरण होगा कि जब कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार सरकार में आता है और बढ़े हुए जनादेश को लेकर के आता है, यह जनता का विश्वास दिखाता है। हमने जो चीजें जनता के सामने रखी उनको लास्ट माइल डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित किया। हमारी योजनाएं जमीन पर मूर्त रूप लेती हुई नजर आई, कल्याणकारियों के खाते तक राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस स्तर का निर्माण हुआ, जनता उसको सकारात्मक रूप से विकास और विरासत का जो एक बढ़े हुए जनादेश के साथ
और लॉट्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी विद द सिटिंग एमपीज, जो आपके मौजूदा सांसद हैं घनघोर एंटी इनकम्बेंसी के साथ, ये आपको जोड़ना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर राम पांडे, क्या वाकई अस्तित्व की लड़ाई अगर इस एग्जिट पोल की बात की जाए? हालांकि अनुमान है नतीजे 4 को आएंगे। डॉक्टर पांडे प्लीज। जी, आपने स्वयं कह दिया कि ये अनुमान है और नतीजे 4 को आएंगे, तो 2 दिन हम वेट कर सकते हैं। अब चूंकि ये जो एग्जिट पोल आए हैं, तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अब जैसे मध्य प्रदेश का ही दिखाया जा रहा है 0 सीट, तो मुझे तो नहीं लगता है कि 0 या 1-2 सीटें आएंगी। 10 से 15 सीट तो मध्य प्रदेश में ही आनी है, तो जब 10 से 15 सीट मध्य प्रदेश में आनी है, तो जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये सारे फर्जी नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अमित शाह जी ने लिखकर दे दिया है और यहाँ सब डिस्प्ले चल रहा है। आखिर क्या बात है कि जनता मोदी को वोट देगी? आपने भी देखा कि मोदी जी ने किस बात पर वोट मांगे थे, उन्होंने कहा मुजरे के नाम पर वोट दो। अब बताइए, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वो कह रहे हैं मुजरे के नाम पर वोट दीजिए, वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र आपके चले जाएंगे मुझे वोट दीजिए, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी मुझे वोट दीजिए। तो जनता पिछले 1-2 महीने से जो प्रधानमंत्री जी का जो ओरिजिनल व्यक्तित्व तो है वो जनता के सामने आ रहा था, कह रहे थे कि उड़ीसा के शहरों की राजधानी का नाम बताइए, तो जनता ने उनकी शिक्षा के बारे में भी जाना, उनके अहंकार के बारे में भी जाना, उनके व्यक्तित्व के बारे में। ऐसा कोई कारण नहीं था कि जनता उनको वोट दे। और हम जो भी ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, बिहार के हों, कर्नाटक के हों, एक नजर देख के लगता है कि ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये आंकड़े लिखकर आए, और इसका सबसे बड़ा कारण जो दिया, मतलब इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, मीडिया पर दबाव बनाया जाए, जो वोटिंग एजेंट हैं मतगणना स्थल पर जो विपक्ष के रहेंगे उन पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जाए, तो ये जो इनके डराने धमकाने की जो राजनीति है। अब आप देखिए, अमित शाह जी ने 150 निर्वाचन अधिकारियों को फोन कर दिया। क्या अमित शाह जी को 150 निर्वाचन चुनाव आयोग के अधिकारियों को फोन करना चाहिए? तो उनको फोन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है प्रशासन को भी डराने का काम कर रहे हैं। ठीक जी, आप जयराम रमेश की बात कर रहे हैं, उनका ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, इसको लेकर भी हालांकि मैं डॉक्टर पांडे आपसे सवाल करना चाह रहा था, एक और सवाल भी मैं आपसे करूंगा, आएंगे आपके पास, ये सिलसिला लगातार चलेगा। अशोक बजाज बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजाज साहब, डीएम को फोन करने की नौबत आ रही है क्या? हाँ भाई साहब, ये जो एग्जिट पोल आया है, हाँ, ये वास्तव में लोकसभा चुनाव 2024 के जो जनता का प्रवाह है, जनमत है, उसको प्रदर्शित कर रहा है कि हवा का रुख जो है एनडीए की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, मोदी जी की तरफ। जनता ने जो ईडी गठबंधन बनाया था इन्होंने, बेमेल गठबंधन, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, क्योंकि इनका कोई नेतृत्व भी नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई भरोसेमंद आदमी था, और जितने भी पार्टियां हैं जो ईडी गठबंधन में जुड़ी हुई थी पहले ही जनता का भरोसा खो चुकी है, और इन्होंने केवल मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी को हटाने के लिए, भाजपा सरकार को हटाने के लिए ही इन्होंने दावा पेश किया था। वास्तव में ईडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये तो कम है, एग्जैक्ट आंकड़े जब आएंगे तो आपको पता चलेगा ठीक भारतीय जनता पार्टी 400 से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। दक्षिण में जो हवा का रुख दिख रहा है, दक्षिण का हवा का रुख जो बता रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी वोटों से जीत रहे हैं, और नहीं, अच्छी बात है बजा सर, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, यही कॉन्फिडेंस हमने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले भी देखा था, ऐसा ही एक कॉन्फिडेंस नारा मैं आपको बता रहा हूं, अब की बार 70 पार, बताइए कहां हो पाया। खैर, सत्यप्रकाश सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह के सर्वे आए हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी या बहुत गेनिंग गुंजाइश नहीं है, फिर भी चुनौतियां कई सीटों पर आप दे रहे हैं, इन सब के बीच आपका एक रिएक्शन फिर सवाल। ललित जी देखिए, ये एग्जिट पोल है,
एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, एग्जिट पोल जैसे आपके भी है और तमाम से मेरे पास जैसे दो तीन एजेंसी के एग्जिट पोल है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, इससे हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। ठीक है जो एजेंसी है वो मेहनत करती है, जमीन स्तर पर जाती है, उसमें उनके मेहनत पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, मगर एग्जैक्ट पोल दो दिन इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में बात करूं, एग्जिट पोल मतलब जीरो सीट या एक सीट दिखा रही, ये आज तक जब से छत्तीसगढ़ बना तब से नहीं हुआ, इस पर तो हम बहुत ज्यादा गेन करेंगे। तो ये हमको मालूम है, देखिए मैं बिहार की बात कर लेता हूँ, मेरे को पार्टी तरफ से बिहार जाने का मौका मिला था, वहां काम किया था मैंने, वहां पे मैंने देखा था माहौल क्या है। तो एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल है इससे उसमें ज्यादा सवाल नहीं खड़े करूंगा, बस एक ही चीज बोलूंगा कि मोदी जी की 10 साल के वादा खिलाफ है ना, हमने एक पार्टी के तौर पर कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, वो दिखा है, वो 4 जून को दिखेगा। आप इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, इससे 4 जून को जो होगा एग्जैक्ट पोल दिखेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वो उस दिन सबके सामने आएगा। ठीक। राकेश अचल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़े पत्रकार ने बड़ा अच्छा शब्द भी निकाला है, केचुआ। अब मैंने क्यों कहा, इसके मानी दर्शक निकालते रहे हैं। राकेश सर मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, ये कहा गया कि भाई 150 डीएम को आप फोन कर रहे थे, उसको लेकर एक सवाल पांडे साहब से भी मेरा रहेगा। सवाल ये है, उसका जवाब बड़ा दिलचस्प दे रहा है आयोग। आयोग ने लिखा है ये पूरी प्रक्रिया बहुत पवित्र कार्य है, इस शब्द को मैं खास कोट कर रहा हूं, पवित्र कार्य है। सवाल यह आया कि आयोग के सामने नौबत आई क्योंकि उसको ये बताना पड़े कि सबसे बड़ी जमहूरियत का पवित्र कार्य कर रहा है वो, क्या बात है इसको लेकर? राकेश सर ललित जी देखिए, मैं 1977 से लगातार चुनाव देखता आ रहा हूं और मेरे समय में इस तरह के एग्जिट पोल आने की कोई परंपरा भी नहीं थी क्योंकि न्यूज चैनल नहीं जी, और अब न्यूज चैनल आए हैं 2000 के बाद, 2004 से ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो ये पहला मौका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे हम लोगों ने संक्षेप में केंचुआ कहना शुरू कर दिया, और वो इतना घबराया हुआ है, उसकी विश्वसनीयता पर पहली बार इतने सवाल खड़े किए गए हैं कि उसे बार बार सफाई देनी पड़ती है। पूरी चुनाव प्रक्रिया में, 7 चरण की चुनाव प्रक्रिया में इतनी शिकायतें हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के पास, सत्तारूढ़ दल की पहुंची, सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्ष के बारे में पहुंची, लेकिन कार्रवाइयां क्या हुई सिवाय नोटिस देने के? किसी को भी आपने नोटिस देने के बाद क्या जवाब आया ये देश को नहीं बताया। आपने हेट स्पीच रोकने के लिए क्या किया ये आपने देश को नहीं बताया। और आज जब देश का गृह मंत्री आपके जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जो कि अगली 9 तारीख तक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी 8 तारीख तक वो सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, उनको फोन कैसे कर सकते हैं? ये इससे संदेह पैदा होता है। हाँ। मैं देखिए एग्जिट पोलों को और एग्जैक्ट पोलों के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहता, बुंदेली में कहावत है कि मुंह दूर के थप्पड़, 4 तारीख को परसों आपको सब पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन कोई केंद्रीय गृह मंत्री किसी जिला निर्वाचन अधिकारी को फोन क्यों कर रहा है भाई? ये एक तो न राज्य का मामला है न केंद्र का मामला है, केंद्रीय चुनाव आयोग का मामला है। हाँ। वो फोन कर सकता है कि भाई आप सतर्कता बरतें, निष्पक्षता बरतें, लोगों को का विश्वास बनाए रखें। लेकिन गृह मंत्री घबराहट में, देखिए दूसरे चरण के बाद भोपाल आकर के माननीय गृह मंत्री ने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को धमकाया था कि अगर मतगणना का प्रतिशत नहीं बढ़ा तो उनकी जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, मंत्रियों की कुर्सियां चली जाएंगी। तो घबराहट तो है, दोनों तरफ है, इधर भी सत्ता चाहिए उधर भी सत्ता चाहिए। तो सत्ता का जो स्वयंवर है ना वो हो चुका है, अब केवल उसकी धनुष टूटा हुआ दिखना है, उसके लिए आपको 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक 48 घंटे का इंतजार कर लिया जाए। डॉक्टर राम पांडे, पहले मैं आपके पास आ जा रहा हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब ये कहा जा रहा है कि ला लीजिए, जयराम रमेश कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत तजुर्बेकार और बड़े और थिंक टैंक वाले नेता हैं। आयोग कह रहा है कि वो लिस्ट दे दीजिए, हमें भी बता दीजिए किस किस से बात की गई है। डॉक्टर पांडे जी, तो ये जो इतने सारे सर्वे चल रहे हैं ये 6 कंपनियों ने किए, तो ये नाम भी बता दें किस सीट पर कौन जीत रहा है और कितने वोट से जीत रहा है। जब सर्वे किया है, जनता के बीच में गए हैं, तो ये सबके सामने होना चाहिए कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है। तो ये जानकारी जो हमें मिली है और हमारी जो जानकारी होती है, या जयराम रमेश जी हो, पवन खेड़ा जी हो, हम लोग, हमारी लाइन ही है सत्यमेव जयते, चाहे चुनाव हारे या जीते, हम सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हर बात पर
झूठ नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हजारों झूठ जनता के सामने हैं। तो जो जयराम रमेश जी ने कहा है वो सच है। और चुनाव आयोग के बारे में तो आप देखिए, चुनाव आयोग को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नोटिस देना था तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी को नोटिस दें, वो नोटिस दिया नड्डा जी को। हाँ, ये भी पहली बार कि आप मोदी जी से पूछिए, फिर नड्डा जी मोदी जी से पूछेंगे, फिर नड्डा जी मोदी जी की तरफ से जवाब लिखेंगे, फिर चुनाव आयोग को देंगे। और उसका भी जवाब आज तक नहीं आया, सारा चुनाव हो गया और विपक्ष ने इतने सारे बातें चुनाव आयोग के सामने रखी। आज 2 जून है लेकिन चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब नहीं दिया। और इस बार तो चुनाव आयोग आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ना तो प्रधानमंत्री को ना गृह मंत्री को एक दिन के लिए भी चुनाव प्रचार से रोका गया। ऐसे कई कारण हैं जहां चुनाव कैचुआ जो शब्द है वो सही निकला है कि कैचुआ बहुत डरपोक हो चुका है। जो मोदी जी अमित शाह जी बोल रहे हैं वही कैचुआ काम कर रहा है। डॉक्टर पांडे, आप कैचुआ को छोड़ देते हैं, ठीक, मैं वापस सर्वे पर आ रहा हूँ। शिवम शुक्ला साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है कुछ आपको जिता रहे हैं, कुछ बम्पर जिता रहे हैं, कुछ और सर्वे भी चलते हैं, सट्टा बाजार का सर्वे चलता है, स्वीकारा जाए ना स्वीकारा जाए, गलत आए सही आए, उसमें ये तो दिखा रहा है कि आप सरकार बनाते नज़र तो आ रहे हैं पर आप कमज़ोर होते भी नज़र आ रहे हैं। शिवम शुक्ला साहब, ललित जी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले राम पांडे जी ने जो ये डीएम वाला आरोप लगाया, पार्टी ने हमारी स्पष्टता के साथ जयराम रमेश जी से पूछा है कि या तो वह उन 150 डीएम की सूची दे दें जिनको अमित शाह जी ने फोन लगाया है, या फिर चुनाव आयोग जैसी एक संस्था के सामने झूठे तथ्य रखने के लिए माफी मांग ले। देश में अगर संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार से आरोप लगा करके उनकी जो एक मर्यादा है, उनका जो एक विश्वसनीयता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। कांग्रेस को इस प्रकार के आधारविहीन आरोपों से बचना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने पूछा कि हम सामने आ रहे, देखिए यह विधा जो है पूरा एक डाटा का, उसका एनालिसिस का, यह बहुत ही प्रामाणिक है, हम इसका विश्वास करते हैं। अगर यह 100% सही ना भी हो तो भी एक एवरेज के तौर पर मोटी मोटा यह तो समझ में आ ही जाता है कि जनता का रुझान किस तरफ है। और आने वाले वक्त में हमने देखा है कि कई सारे एग्जिट पोल्स ने अपनी विश्वसनीयता को भी स्थापित किया है और वह एग्जैक्ट पोल के आसपास ही आकर के रुके थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें तो नतीजों का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से 400 पार का नारा लेकर के चल रही थी, लेकिन हमें वोटर के ऊपर भी विश्वास है, इसलिए हम लेकर के चल, हमने कभी भी यह बातें अति आत्मविश्वास में नहीं कही, हमने कभी भी यह दावा नहीं किया, हमने इनकी तरीके से लड्डू बनने के ऑर्डर नहीं दिए, पोस्टर लगाने का काम नहीं किया, अपने को उपहास का पात्र नहीं बनाया। और जो बात रही हमारी विश्वसनीयता घटने या बढ़ने की, प्रधानमंत्री जी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जिनका न सिर्फ तीसरी बार सत्ता में आएंगे बल्कि एक बढ़े हुए जनादेश के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पास इस चुनाव में जनता को देने के लिए कुछ नहीं था, लड्डू के ऑर्डर नहीं दिए, और अभी आप कह रहे हैं कि हम तो शपथ ग्रहण की तैयारियों में हैं। यही विरोधाभास है ना शुक्ला साहब? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, शपथ ग्रहण जनता निर्धारित करती है। जनता का हमें जो फीडबैक मिला, जनता का जो उत्साह समझ में आया, उसको देख करके हम पूरी तरीके से आशान्वित है। बाकी जनादेश का हम इंतजार कर रहे हैं, जो भी आधिकारिक चैनल से चीजें सामने आएंगी उसके अनुरूप आगे हम निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस स्वयं को उपहास का पात्र बना रही है। पूरे चुनाव में देश की जनता को इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। हम तो जनता को रोड मैप दे रहे थे कि 2047 तक कैसे विश्व के उत्कर्ष पर हम देश को लेके जाएंगे। इन्होंने सिर्फ और देश को उसी परंपरागत तरीके से जात की राजनीति में बांटने का प्रयास किया, कम्युनिस्ट और वामपंथी एजेंडे को लेकर के आए, सनातन और राष्ट्र के विरोध की राजनीति की, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। सारे भाषण पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। 47 का एजेंडा शुरू किया था आपने, 2 चरणों के चुनाव के बाद ये सारे एजेंडे पीछे चले गए थे, फिर जो आगे आया उसको लेकर आगे बात करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। राजनीति में 2 चीजें होती हैं, पहला हम किस नैरेटिव को लेकर के आगे चल रहे हैं, दूसरा हमारा प्रतिपक्षी किस चीज को आगे बढ़ा रहा है, उसका भी हमें काउंटर करना है, उसको भी जनता के सामने एक्सपोज करना है। हमने दोनों ही चीजें बहुत ही महारत के साथ की और यही कारण है कि जनता के साथ जो हमारा संप्रेषण अथवा संवाद का एक सिलसिला है वह बहुत ही मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी जनता से कट चुकी है, जनता के साथ कोई संबंध नहीं बचा है। वामपंथी एजेंडे को जो लोग देश में लागू करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और कई सीटों में हम रिकॉर्ड मत जीतेंगे। कांग्रेस को जनता ने यहाँ नकार दिया है,